इमेज को देखो, बहुत भयंकर पीला कलर का सांप है ना। ये सांप प्रजाति का है और ये जगह में पाया जाता है। ऐसा कुछ मैं बोलूं, इसकी उम्मीद मत रखना। साल 2012 में एक 37 साल का इंसान जिसका नाम था फ्रांसिस्का पिचर, उसने अपने 6 साल की बेटी के लिए एक केक बनाया जो कि बिल्कुल असल सांप जैसा दिखता था। जी हाँ, ये कोई सांप नहीं है बल्कि ये केक है। इस केक को बनाने में उन्हें 3 दिन लग गए थे और लगातार 12 घंटे डेकोरेट करने के बाद जाके ये इतना रियलिस्टिक बन पाया। 2008 में अबू धाबी में मौजूद एक बिजनेसमैन जिसका नाम था शहीद अब्दुल, उसने एक अजीब सा काम किया। गाड़ियों में लाइसेंस प्लेट जो होता है जिसमें नंबर लिखा रहता है वो रैंडम नंबर होता है, आपको पता ही होगा। रैंडम मतलब आपको कुछ भी नंबर मिल सकता है, 4578 8879, मतलब कुछ भी मिल सकता है ना रैंडमली। आप जो चाहो वो आपको नंबर नहीं मिल सकता, अपने पसंद का नंबर नहीं ले सकते आप गवर्नमेंट से। पर इस इंसान ने कुछ ऐसा ही किया, इसने 99 करोड़ रुपए देकर अपने गाड़ी के लिए एक लाइसेंस प्लेट अपने नाम करवाया गवर्नमेंट से जिसका नंबर था 1। इसने वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव लाइसेंस प्लेट अपने नाम करवाया। रामन नाम का एक इंसान साल 1871 में डूबते जहाज से बच गया, मतलब वो जिस पानी जहाज में ट्रैवल कर रहा था वो एक एक्सीडेंट के चलते डूब रहा था, पर रेस्क्यू टीम के चलते वो बच गया। इसी हादसे के बाद उसने तय किया कि वो कभी फिर से पानी जहाज में नहीं बैठेगा। पर कुछ सालों बाद उसने सोचा कि आखिर कब तक वो पानी जहाज से डरेगा, तो उसने अपने फियर को ओवरकम करने के लिए यानी डर को भगाने के लिए फिर से एक बड़े जहाज में ट्रैवल करने का तय किया ताकि उसका डर खत्म हो पाए कि जहाज हमेशा नहीं डूबते। सिंपल लॉजिक, उसने एक जहाज में अपना एक सीट बुक किया ताकि वो अपने डर को खत्म कर पाए और उस जहाज का नाम था दी टाइटैनिक। नाम तो सुना ही होगा और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते हैं।